विश्व में महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए आम और खास तक अब एक दूसरे को सहयोग दे रही हैं। ऐसी ही दो महिला पुलिसकर्मी कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के चलते मास्क की आपूर्ति को पूरा करने के लिए ड्यूटी के बाद खाली समय में 3 लेयर मास्क बनाकर लोगों की मदद करने का काम कर रही हैं। महिला पुलिसकर्मी यूपी के कन्नौज जिले के थाना सौरख की रहने वाली हैं, जहां थाने में तैनात महिला सिपाही प्रिया शुक्ला और शिवानी शर्मा ने मास्क की कमी को देखते हुए थाना अध्यक्ष से मास्क बनाने की अपील की। थाना अध्यक्ष ने महिला पुलिसकर्मियों के जज्बे की कदर कर सिलाई मशीन की व्यवस्था की, जिसके बाद थाने परिसर में ही दोनों महिला पुलिसकर्मी ड्यूटी समाप्त कर खाली समय में मास्क बनाने का काम करती थीं। इस उच्च अधिकारियों के जो निर्देश हैं उस पर हम लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं, और कल हमारे यहाँ नियुक्त शिवानी शर्मा, महिला आरक्षी शिवानी शर्मा और महिला कांस्टेबल प्रिया शुक्ला ने सेल्फ मोटिवेट होकर के, और जो परिस्थितियाँ हैं देश की उसमें सेल्फ मोटिवेट होकर उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि अगर हमें मशीन प्रोवाइड करा दी जाए तो हम लोग, क्योंकि पहले से सिलाई का काम जानते हैं, तो हम लोग मास्क जो तैयार कर सकते हैं, तो हम लोगों ने उन्हें मशीनें प्रोवाइड कराई और उन लोगों ने पहले ही अपनी ड्यूटी के अतिरिक्त समय में उन्होंने कपड़े के 3 लेयर के मास्क जो बहुत क्वालिटेटिव भी हैं उन्होंने अराउंड 50-50 कल रात में तैयार किए हैं और आज भी उस पर कार्रवाई जारी है। जहां पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने मास्क की तारीफ कर रही हैं, तो वहीं जिला अधिकारी राकेश कुमार मिश्रा महिला पुलिसकर्मियों के जज्बे को सराहा रही हैं। नहीं देखिए, ऐसा है कि ये तो आज का जो हमारा काम है सरकारी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मानवता की सेवा है। हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि ये इंडिविजुअल किसी का काम नहीं है, बल्कि ये पूरे आवाम का काम है कि हर आदमी जो जिस लायक है, जो जहाँ जितना अच्छा कर सकता है वो करेगा। तो निश्चित रूप से जो हमारे लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम उनकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं और ऐसे अच्छे कामों में आगे भी वो हाथ बटाते रहें, ये मेरी बहुत बहुत उनकी शुभकामनाएं हैं। अभी तक दोनों महिला पुलिसकर्मी सैकड़ों की संख्या में कपड़े से बने 3 लेयर मास्क बना चुकी हैं। इनके द्वारा बनाए गए मास्क की खास बात है कि इनको धुलने के बाद दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं महिला पुलिसकर्मी के कार्य की जिले के आला अधिकारी भी सराहा रही हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कन्नौज से नीति मिश्रा की रिपोर्ट।